हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूनम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। ये सेवेंथ क्लास की फर्स्ट पोएम थी जिसके हमने वर्ड मीनिंग कर लिए थे और एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी हम कर चुके हैं। तो आज है इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ही पोएम आपकी बैटल हिम ऑफ द जवान्स। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हु आर सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड एट वट टाइम। कि ये जो पोएम है वो किसकी है, कि एक सॉन्ग के बारे में है कि जो जवान जो है वो गाते हैं। तो हु आर सिंगिंग दिस सॉन्ग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सॉन्ग को कौन गा रहा है और किस टाइम पे गा रहा है। तो आंसर है इसका, द जवान आर सिंगिंग द सॉन्ग एट द टाइम ऑफ मार्च पास्ट और परेड। कि जो जवान हैं, जो सेना के सैनिक हैं, जवान हैं, वो इस सॉन्ग को गा रहे हैं। और किस टाइम पर गा रहे हैं, मार्च पास्ट, जब वो परेड करते हैं तो उस टाइम वो गा रहे हैं इस सॉन्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द जवान्स हैव इन देयर माइंड्स एट द टाइम ऑफ मार्चिंग। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डू द जवान्स हैव इन देयर माइंड्स। कि कौन सी फीलिंग्स उनके माइंड में होती है जब वो मार्च पास्ट कर रहे होते हैं, परेड कर रहे होते हैं। द जवान्स हैव नो मैलिस इन देयर माइंड्स एट द टाइम ऑफ मार्चिंग। कि जवान्स जो हैं उनके मन में, उनके दिमाग में कोई भी मैलिस नहीं होता है, कोई भी द्वेष या क्रोध भावना नहीं होती है जब वो परेड कर रहे होते हैं। सारे एक समान होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर मिलिट्री प्लान्स एंड चार्ट्स। कि जो मिलिट्री ने प्लान्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं उनके लिए, वो कितने कॉन्फिडेंट है, कि उन पर उनको कितना विश्वास है, उसके बारे में बताना है। दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर मिलिट्री प्लान्स एंड चार्ट्स दैट दे वॉन्ट मेक एनी मिस्टेक इफ दे फॉलो द प्लान्स एंड चार्ट्स। कि उन्हें अपने जो मिलिट्री प्लान्स और चार्ट्स हैं उन पर इतना कॉन्फिडेंट है, वो इतने कॉन्फिडेंट है उन पर, इतना विश्वास है उन्हें, दैट दे वॉन्ट मेक एनी मिस्टेक। कि वो कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे इफ़ दे फॉलो द प्लान्स एंड चार्ट्स। कि यदि वो उन प्लान्स और चार्ट्स को फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम टू शो दैट द सोल्जर्स आर वेरी बोल्ड। कि इस पोएम में से हमें ऐसी लाइंस निकालनी हैं, ऐसी लाइंस बोलनी हैं जो ये शो करती हैं कि सोल्जर्स जो हैं बहुत बोल्ड हैं, बहुत साहसी हैं, बहुत मजबूत हैं। तो वो लाइंस हैं, ये देखिए लाइंस लिखी हुई आगे, ये लाइंस हैं, वी शैल सेव द नेशंस फ्लैग फ्रॉम डिसऑनर। कि हम हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसको डिसऑनर से बचाएंगे, अपमान से बचाएंगे, इफ़ इट कम्स टू डाइंग। कि हम उसको तब तक बचाएंगे जब तक हमारी जान, अगर इसके लिए हमें जान भी देनी पड़े तो भी हम इसके लिए जान दे देंगे, पर हम इसको डिसऑनर से बचाएंगे। वी विल प्रिपेयर फॉर सेक्रीफाइस। और ये भी कहते हैं कि हम बलिदान के लिए तैयार हैं। तो ये क्या है, उनका बोल्डनेस शो कर रहा है कि वो बहुत साहसी हैं, ये दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस कैन द सोल्जर्स गिव्स फॉर देयर कंट्री। कि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है जो सोल्जर्स जो है अपनी कंट्री को दे सकते हैं। आंसर है इसका, द सोल्जर्स कैन सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री। कि जो सोल्जर्स हैं वो अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। तो ये क्या है, सबसे बड़ा बलिदान है उनका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द सोल्जर्स वांट। कि सोल्जर्स क्या चाहते हैं, द सोल्जर्स वांट फ्रीडम एट एनी प्राइस। कि सोल्जर्स जो है वो आज़ादी चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो ये थी आपकी पोएम, फर्स्ट पोएम सेवन्थ क्लास की। आपको राइट एंड लर्न करनी है, ये कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।